अस्सलाम वालेकुम कारोबारियों, मैं हूँ इरफान साइंस वाला। आज मेरे साथ मौजूद है जबीउल्लाह साहब, लाहौर से ही तशरीफ लाए हैं। लाहौर में ये वॉशिंग पाउडर का कारोबार कर रहे हैं, यानी कि सरफ बनाने का, बना भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं, माशाल्लाह कामयाबी के साथ बेच रहे हैं। अगर कोई सरफ का कारोबार करना चाहे या बना बनाया सरफ खरीदना चाहे तो इनका नंबर भी इसी वीडियो में दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र। अच्छा, ये बताएं कि सरफ का काम कब शुरू किया था? मैंने रमज़ान से पहले शुरू किया है और तकरीबन 3 महीने हो गए अल्लाह के फजल करम से। अच्छा, 3 महीने से काम कर रहे हैं आप, तो शुरू शुरू में क्या क्या मुश्किल आई हैं आपको? शुरू में जो हमें मुश्किल आई है, जिस फार्मूले के ऊपर हम काम कर रहे थे, तो मैं जब सफ़र कर रहा था तो मैं हर किसी को अपना नंबर देता था और हर कोई नंबर लेता था कि चीज़ अच्छी होगी तो हम आपसे मांगेंगे। तो जब मैं सफ़र करता रहा करता रहा करता रहा, कोई नंबर यानी किसी तरीके से मुझे कोई रेस्पॉन्स नहीं, तो मैं वैसे दिली तौर पर भी परेशान हुआ कि इस चीज़ के अंदर किसी चीज़ की कमी है जो मुझे इस सफ़र से रोक रही है। फिर इसके मुताबिक मैंने ये किया है कि वो जो माल मैंने मेरे पास मौजूद था जब वो ख़त्म हो गया, इसके अलावा मैंने दूसरा ये तरीक़ा अख्तियार किया कि उस फार्मूले को मैंने छोड़ दिया। साथी के मशवरे से मैंने दूसरे फार्मूले के ऊपर कदम रखा और उससे मैंने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया, यानी कि फार्मूला आपने चेंज किया, चेंज उसमें कर कुछ दिया। चीज़ें प्लस माइनस की। जी, वो फार्मूला मुकम्मल छोड़ के दूसरा फार्मूला हमने उठा लिया। ठीक है, जी, अब जो फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं ये कामयाब है? बहुत अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, बहुत ज़बरदस्त कामयाब है। जहाँ भी जाते हैं तो अच्छी अच्छा, रिस्पॉन्स आती है। कितनी रिपीट सेल है? सेल होती है अल्लाह के फजल करम से, कभी हम 20 किलो बेच देते, 22 किलो बेच देते, 30 किलो बेच देते, 1 किलो पे आपको तकरीबन कितने की बचत आ जाती है? तकरीबन आ जाती है। वैसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, यकीनी तौर पर नहीं कह सकते, तो मुमकिन है कि 80 के लगभग हमें जो ना उससे बचत हो। ठीक है, यानी कि तकरीबन 2,000-2,500 रुपया रोजाना का बचत कमा लेते हैं। अल्लाह के फजल करम से बस इसी तरह होगा। और आपको जो सरफ बेच रहे हैं ये किस रेट पे दे रहे हैं? होलसेल रेट क्या है इसका? होलसेल रेट इसका होगा तकरीबन 300 रुपये हमने रखा है, और वैसे परचून रेट हमारा ज्यादा है। थोड़ा सा ज़्यादा होता है। दुकानदार इसको कितने का बेचता है? दुकानदार उसको तकरीबन बेच सकता है, उसको 350 का बेच सकता है अपनी मर्ज़ी से, ठीक उससे है, भी ठीक ज़्यादा भी बेच सकता है उसकी वो। है। सरफ में ना मसाइल आते हैं, कभी हाथों पे ख़ारिश हो जाती है, कभी झाग नहीं बनाता, कभी सफाई नहीं करता, कभी मैल नहीं उतारता। ठीक है, तो आपके सरफ में क्या ये तमाम क्वालिटीज़ हैं कि ये ओके है? बिल्कुल ओके है जी। हमने सारी चीज़ों को, सबसे पहले हमने इस चीज़ को देखना होता है कि ये सफाई में इसके अंदर कोई ऐसी बात ना हो कि ये सफाई ना करे। सबसे पहले हमने सफाई को देखना होता है। ठीक है। इसके बाद दूसरे स्टेप पे हमने जाना होता है कि ये झाग भी बनाए, ये भी एक ज़रूरी चीज़ होता है। तीसरे स्टेप पे हम देखते हैं इसके अंदर खुशबू हो, खुशबू भी अच्छी वाली खुशबू हो, कोई मामूली खुशबू इसके अंदर ना हो। फिर ठीक है। इसके अंदर हमने जो ना इस कपड़े के रंग को निखारना भी होता है, इसके अंदर निखार भी पैदा करे, और ये बात भी इसके अंदर हो कि कपड़े के रंग को तहफ़ भी दे, और वो पूरा हुआ पूरा खूबसूरत भी नज़र आया, इसके अंदर दाना भी होता है। सारी चीज़ों को हम देख के जो ना सरफ बना रहे हैं, और सस्ता भी है, ये चीज़ भी इसके अंदर कमाल है। सही है। जी अच्छा, ये बताएं कि अगर कोई आपसे खरीदना चाहे तो आपका मोबाइल नंबर क्या है? मेरा मोबाइल नंबर है 0345-12-73-071, 0345-12-73-071, ये इनका मोबाइल नंबर है। अच्छा, खुला भी दे देंगे आप पैकेट में पैक कर करके? वैसे हम तो देते हैं पिकेट में। किसी को अगर चाहिए कि हमें जो ना बोरे के हिसाब से, मन के हिसाब से, इस तरह को, तो वो खरीद सकते हैं पूरे हमसे, पाकिस्तान में सप्लाई दे देंगे? ज़रूर दे देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। और आप अपने काम से खुश हैं? बहुत खुश हुआ अल्लाह के फजल करम से, बहुत बहुत खुश। खुश हैं। और ये आइडियाज़, ये सीखना, ये सारा कुछ क्लियर है अब माशाल्लाह? बहुत क्लियर है जी। ठीक है। शुरू करने से पहले कारोबार में कोई क्या क्या तहफ़ुज़ थे आपके? शुरू में बस कदम रखना मुश्किल हो जाता है कि मैं तो बनाऊंगा एक चीज़ लेकिन मैं बेचूंगा कैसे, ये सफ़र बहुत मुश्किल अब होता है। कैसे लेकिन बेचते हो फिर? अब इसी तरह करता हूँ, मेरे हाथ में होता है, मेरे बैग में होता है, जाके जो निकल जाता है अलग, वो इस तरह पैदल से जाते हो तो मोटरसाइकिल पे? जहाँ जहाँ दूर सफ़र होता है वह गाड़ी में बैठ जाता हूँ, फिर अपने जिस इलाके में काम करना होता है आप पैदल सफ़र कर लेता हूँ। अच्छा, जी तो इलाके वगैरह बनाए हुए हैं या वैसे ही?
بس مختلف علاقوں میں سفر کر رہے ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ لوگ مانگتے ہیں، ہمارے انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، جی جی آپ کا ایڈریس کیا ہے؟ میرا ایڈریس ہے، میں مزنگ اڈنگ میں رہتا ہوں، فیملی ہسپتال ہے اس کے ساتھ میں رہتا ہوں. لاہور میں، جی لاہور میں. لاہور میں مزنگ کے علاقے میں. جی جی اگر آپ میں سے کوئی بھی بھائی بنا بنایا فیکٹری ریٹ کے اوپر سرف یعنی کہ واشنگ پاؤڈر خریدنا چاہیں تو ان بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا اپنی فیکٹری کا وزٹ بھی کروا سکتے ہیں اور آپ کو سرف دے بھی سکتے ہیں. کوالٹی کہہ رہے ہیں کہ بھائی بہت اچھی ہے، کیونکہ میں نے تو ابھی ٹرائل کیا نہیں ہے، لیکن بقول ان کے کہ بہت اچھی ہے. تو آپ ضرور ایک دفعہ ٹرائی کر سکتے ہیں. کوشش کریں کہ پاکستانی برانڈ استعمال کریں، پاکستانی پروڈکٹ کو ویلیو دیں، ریسپیکٹ دیں. ہاں انشاءاللہ امید ہے کہ اس طرح سے اگر ایماندار لوگ مارکیٹ میں آئیں گے، ایک نمبر چیز بنائیں گے، کوالٹی والی چیز دیں گے، تو اس کی رپیٹ سیل کنفرم ہوگی. اگر آپ یہ صرف یعنی کہ واشنگ پاؤڈر کی فیکٹری لگانا چاہتے ہیں تو یہ بزنس صرف 50,000 سے شروع کیا جا سکتا ہے، تو لگا سکتے ہیں. ہمارے نمبر سکرین پہ دیکھ رہے ہیں آپ، لاہور، ملتان، راولپنڈی میں ہمارے دفاتر ہیں. لیکن اگر آپ بنا بنایا واشنگ پاؤڈر خریدنا چاہتے ہیں تو یہ بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کا نمبر بھی آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. آئیں سیکھیں اور اپنا کاروبار کریں. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے بھائی، اپنے دوست، اپنے میزبان عرفان سائنس والا کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.